आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाब जादे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है, तो आज का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज़ ने और आरडी एंटरटेनमेंट ने। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 10 आउट ऑफ 4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो दोस्तों, आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है। हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो, इनकी अलग हो। तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए, तो उनको ये मूवी पसंद ना आई। तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं। तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्जन वैसे तो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्जन अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है, पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेज़न से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी। टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे। फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की रेट अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईशा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन, बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया साठी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खत्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघव जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है। मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। तो मूवी की जो कहानी है दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है। जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक ही लड़के के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो
तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। फिर धीरे धीरे उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मज़ा चखाते हैं, वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है, वैसे मैं आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट कर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ। साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें YouTube पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ Amazon Prime पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टी सीरीज बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने YouTube चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है, तो वैसे में ये मूवी आपको YouTube पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को YouTube पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी YouTube पर ज़रूर आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी YouTube पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूंगा, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए, आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाबजादे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है, तो आज का हमारे वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज ने और RD एंटरटेनमेंट ने, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। IMDB की तरफ से इस मूवी को 10/4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो दोस्तों आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है, हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो इनकी अलग हो। तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं, मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। यह भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए, तो उनको ये मूवी पसंद ना आए। तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं, तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्जन वैसे तो Amazon Prime पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्जन Amazon Prime पर अवेलेबल है, पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास Amazon Prime की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप Amazon से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी, टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे। फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था JS प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईशा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन बादशाह,
विजयराज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया साटी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खत्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघो जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है, मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। तो मूवी की जो कहानी है वो दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है, जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक ही लड़की के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। धीरे 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 उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मज़ा चखाते हैं वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है, वैसे में आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट कर कर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ। साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टी सीरीज बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है, तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूंगा, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए, आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाब जादे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है तो आज का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज़ ने और आरडी एंटरटेनमेंट ने, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 10 out of 4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो दोस्तों आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है, हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो इनकी अलग हो। तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं, मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए तो उनको ये मूवी पसंद ना आए। तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है,
किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं, तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्जन वैसे तो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्जन अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है, पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेज़न से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी, टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे। फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसे लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की रेट अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईशा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन, बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया साठी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खत्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघव जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है, मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। तो मूवी की जो कहानी हो दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है, जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक ही लड़की के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। फिर धीरे धीरे उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मज़ा चखाते हैं वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है, वैसे में आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट कर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ, साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टी सीरीज़ बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है, तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूंगा, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए, आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाब जादे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है तो आज का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा
और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज ने और आरडी एंटरटेनमेंट ने। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 10 out of 4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो दोस्तों आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है। हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो, इनकी अलग हो। तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। यह भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए, तो उनको ये मूवी पसंद ना आए। तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं। तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्जन वैसे तो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्जन अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है, पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेज़न से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी। टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे। फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की रेट अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईशा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन, बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया साठी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खत्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघव जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है। मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेगी। तो मूवी की जो कहानी हो दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है। जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक ही लड़के के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। फिर धीरे धीरे उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मजा चखाते हैं वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। वैसे में आप इस मूवी को देखिए,
आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ, साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टी सीरीज बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है, तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूंगा, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए, आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाब जादे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है तो आज का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज ने और आरडी एंटरटेनमेंट ने, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 10/4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो दोस्तों आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है, हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो इनकी अलग हो। तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं, मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए तो उनको ये मूवी पसंद ना आए। तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं, तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्जन वैसे तो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्जन अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है, पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेज़न से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी, टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे, फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसे लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं, इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईशा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन, बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया साठी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खट्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे
जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघो जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है। मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। तो मूवी की जो कहानी हो दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है। जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक ही लड़की के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। धीरे 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 उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मज़ा चखाते हैं वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। वैसे मैं आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट कर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ। साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टी सीरीज बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है। तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूंगा, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए, आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाब जादे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है तो आज का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज़ ने और आरडी एंटरटेनमेंट ने। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 10 out of 4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो दोस्तों आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है। हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो, इनकी अलग हो। तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। यह भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए, तो उनको ये मूवी पसंद ना आई। तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं। तो आप ख़ुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्जन वैसे तो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्जन अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास
अमेजन प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेजन से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी, टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे। फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसे लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की रेट अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईसा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन, बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया साठी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खत्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघव जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है, मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेगी। तो मूवी की जो कहानी है दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है, जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक ही लड़के के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। फिर धीरे धीरे उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मज़ा चखाते हैं वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। वैसे मैं आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ। साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टी सीरीज बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है, तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूँगा, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए, आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाबजादे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है तो आज का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज़ ने
और आरडी एंटरटेनमेंट ने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 10 out of 4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो दोस्तों आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है। हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो इनकी अलग हो। तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। यह भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए तो उनको ये मूवी पसंद ना आए। तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है। किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं। तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्जन वैसे तो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्जन अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेज़न से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी। टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे। फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताएं कि मूवी आपको कैसी लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईशा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया साठी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खट्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघव जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है। मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। तो मूवी की जो कहानी हो दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है। जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक ही लड़की के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। धीरे 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 उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मज़ा चखाते हैं वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। वैसे में आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट कर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ हैं उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ। साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों
जो है वो टी सीरीज़ बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है, तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूंगा, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए, आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाबजादे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है, तो आज का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज़ ने और RRD एंटरटेनमेंट ने, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। IMDB की तरफ से इस मूवी को 10 out of 4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो दोस्तों, आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है। हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो, इनकी अलग हो, तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए, तो उनको ये मूवी पसंद ना आई। तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं, तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्जन वैसे तो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्जन अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है, पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेज़न से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी, टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे। फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की रेट अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईशा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन, बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया साठी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खत्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघव जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है, मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। तो मूवी की जो कहानी है दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो
यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है, जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक लड़की के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। धीरे 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 उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मज़ा चखाते हैं वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है, वैसे मैं आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट कर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ। साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टीम सीरीज बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है, तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूंगा, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए, आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाब जादे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है तो आज का हमारे वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज ने और आरडी एंटरटेनमेंट ने, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 10 out of 4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो दोस्तों आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है, हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो इनकी अलग हो। तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं, मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए तो उनको ये मूवी पसंद ना आए। तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं, तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्जन वैसे तो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्जन अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है, पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेज़न से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी, टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे,
फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की रेट अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईशा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन, बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया सैटी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खत्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघव जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है, मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। तो मूवी की जो कहानी है वो दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है, जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक ही लड़की के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। धीरे 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 उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मज़ा चखाते हैं वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। वैसे मैं आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट कर कर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ। साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टी सीरीज बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है। तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूंगा, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए, आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाब जादे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है तो आज का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज़ ने और आरडी एंटरटेनमेंट ने, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 10 out of 4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से।
तो दोस्तों आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है। हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो, इनकी अलग हो। तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए, तो उनको ये मूवी पसंद ना आए। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं। तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्जन वैसे तो अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्जन अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है, पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अमेजन प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेजन से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी। टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे। फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की रेट अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईशा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन, बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया साठी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खत्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघव जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है। मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। तो मूवी की जो कहानी है दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है, जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक ही लड़की के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। धीरे 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 उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मज़ा चखाते हैं वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएंगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। वैसे मैं आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट कर कर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ। साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टी सीरीज बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है। तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूंगा
आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए, आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाबजादे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है, तो आज का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज ने और आरडी एंटरटेनमेंट ने, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 10 out of 4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो दोस्तों, आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है। हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो, इनकी अलग हो, तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। यह भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए, तो उनको ये मूवी पसंद ना आई। तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं। तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्जन वैसे तो अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्ज़न अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है, पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अमेजन प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेजन से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी। टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे। फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की रेट अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईशा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन, बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया सैटी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खत्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघव जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है। मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। तो मूवी की जो कहानी हो दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है। जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक ही लड़के के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है।
और दोस्ती में लोग जान भी दे देते थे। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। फिर धीरे धीरे उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मज़ा चखाते हैं, वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएंगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। वैसे मैं आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ। साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टी सीरीज़ बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है। तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूंगा, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए। आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाब जादे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है, तो आज का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज़ ने और आरडी एंटरटेनमेंट ने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 10 out of 4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो दोस्तों आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है। हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो, इनकी अलग हो। तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं, मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए, तो उनको ये मूवी पसंद ना आई। तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं। तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्जन वैसे तो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्जन अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है, पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेज़न से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी। टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे। फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसे लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की रेट अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलन डे, ईशा रिकी,
श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन, बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया साटी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खट्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघो जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है, मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। तो मूवी की जो कहानी हो दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है, जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक ही लड़की के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। धीरे धीरे उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मज़ा चखाते हैं वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है, वैसे मैं आप इस मूवी को देखिए आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट कर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ। साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टी सीरीज बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है, तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूंगा, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए, आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाब जादे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है तो आज का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज ने और आरडी एंटरटेनमेंट ने। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 10 out of 4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो दोस्तों आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है, हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो इनकी अलग हो। तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं, मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। यह भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए तो उनको ये मूवी पसंद ना आए।
तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं, तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्ज़न वैसे तो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्ज़न अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है, पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेज़न से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी, टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे। फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसे लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की रेट अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईसा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन, बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया साठी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खट्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघव जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है, मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेगी। तो मूवी की जो कहानी है दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है, जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक ही लड़के के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। फिर धीरे धीरे उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मज़ा चखाते हैं वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। वैसे में आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ। साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टी सीरीज बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है, तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूंगा, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए, आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाबजादे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है तो आज का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है,
वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज़ ने और आरडी एंटरटेनमेंट ने। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 10 out of 4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो दोस्तों आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है। हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो, इनकी अलग हो। तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। यह भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए तो उनको ये मूवी पसंद ना आए। तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं। तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्जन वैसे तो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्जन अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है, पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेज़न से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी। टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे। फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईशा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन, बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया साटी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खट्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघव जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है। मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। तो मूवी की जो कहानी हो दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है। जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक ही लड़की के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। धीरे 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 उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मज़ा चखाते हैं वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएंगी और कुछ लोगों को नहीं,
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है, वैसे मैं आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट कर कर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ, साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टी सीरीज बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है, तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूंगा, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए, आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाब जादे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है तो आज का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज़ ने और आरडी एंटरटेनमेंट ने, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 10 out of 4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो दोस्तों आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है, हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो इनकी अलग हो। तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं, मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। यह भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए तो उनको ये मूवी पसंद ना आए। तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं, तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्जन वैसे तो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्जन अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है, पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेज़न से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी, टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे, फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसे लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं, इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की रेट अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईशा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन, बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया साठी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खट्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे
वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघो जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है। मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। तो मूवी की जो कहानी है दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है। जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक लड़की के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। धीरे 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 उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मज़ा चखाते हैं वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। वैसे मैं आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट कर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ। साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टीम सीरीज बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है। तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूंगा, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए, आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाबजादे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है तो आज का हमारे वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज ने और आरडी एंटरटेनमेंट ने। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 10/4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो दोस्तों आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है। हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो, इनकी अलग हो। तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। यह भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए, तो उनको ये मूवी पसंद ना आए। तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं। तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहां पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहां पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्जन वैसे तो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों,
इस मूवी का हिंदी वर्जन अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है, पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अमेजन प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेजन से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी, टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे। फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की रेट अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईसा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन, बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया साठी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खट्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघव जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है, मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। तो मूवी की जो कहानी हो दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है, जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक ही लड़की के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। धीरे 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 उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मजा चखाते हैं वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। वैसे मैं आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट कर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ। साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टीम सीरीज बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है, तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूंगा, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए, आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाबजादे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है तो आज का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी
फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज ने और आरडी एंटरटेनमेंट ने। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 10 out of 4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो दोस्तों आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है। हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो इनकी अलग हो। तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए तो उनको ये मूवी पसंद ना आए। तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है। किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं। तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्जन वैसे तो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्जन अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेज़न से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी। टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे। फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसे लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की रेट अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईशा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन, बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया साठी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खत्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघव जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है। मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। तो मूवी की जो कहानी हो दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है। जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक ही लड़की के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। फिर धीरे धीरे उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मज़ा चखाते हैं वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। वैसे में आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट कर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ। साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए।
क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टी सीरीज बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है, तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूंगा, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए, आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाब जादे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है, तो आज का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज ने और आरडी एंटरटेनमेंट ने, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 10 out of 4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो दोस्तों आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है, हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो इनकी अलग हो। तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं, मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए, तो उनको ये मूवी पसंद ना आई। तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं, तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्जन वैसे तो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्ज़न अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है, पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेज़न से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी, टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे। फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की रेट अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईशा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन, बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया सैटी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खत्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघव जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है, मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। तो मूवी की जो कहानी हो दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे, तो
तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है, जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक ही लड़की के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं, और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है, और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। फिर धीरे धीरे उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मज़ा चखाते हैं, वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएंगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है, वैसे मैं आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की, और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ। साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टी सीरीज़ बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है, तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूंगा, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए, आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाबजादे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है, तो आज का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज़ ने और आरडी एंटरटेनमेंट ने, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। IMDB की तरफ से इस मूवी को 10/4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी, और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो दोस्तों आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है। हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो, इनकी अलग हो। तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं, मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए, तो उनको ये मूवी पसंद ना आई। तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं। तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्ज़न वैसे तो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्ज़न अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है, पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेज़न से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी, टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे।
फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की रेट अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईशा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन, बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया सैटी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खत्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघव जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है। मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेंगी। तो मूवी की जो कहानी हो दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है। जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक ही लड़की के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। धीरे 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 उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मज़ा चखाते हैं वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएंगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। वैसे मैं आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट कर कर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ। साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टी सीरीज बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है। तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूंगा, आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए। आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है नवाब जादे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो और मूवी आपको कहीं पर नहीं मिल रही है तो आज का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आप सभी को कहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी ही, साथ में ये मूवी भी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में वो सारी जानकारी जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि इस मूवी को 2018 के अंदर रिलीज़ किया था और मूवी फ्लॉप रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था टी सीरीज़ ने और आरडी एंटरटेनमेंट ने। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म्स ने। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी। आईएमडीबी की तरफ से इस मूवी को 10 out of 4.2 की रेटिंग मिली थी। इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर इस मूवी को 2.4 की रेटिंग मिली थी और 92% लोगों ने इस मूवी को लाइक्स किया था गूगल की तरफ से। तो
तो दोस्तों आप इस मूवी की रेटिंग पर मत जाए, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग देने वाला लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की पसंद बताई है। हो सकता है कि आपकी पसंद अलग हो, इनकी अलग हो, तो वैसे में आप इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी के अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी भरपूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर देखिए। यह भी हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मूवी को कम रेट किया है वो एक्शन लवर है या फिर थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखते हुए, तो उनको ये मूवी पसंद ना आए। तो मैंने आपको पहले कहा कि हर लोगों की अपनी अलग अलग पसंद है, किसी को मूवी अच्छी लगी किसी को नहीं, तो आप खुद इस मूवी को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको मूवी कैसी लगी। अब हम बात करते हैं कि मूवी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होगा कि मूवी हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बात करें मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसके बारे में, तो इस मूवी का हिंदी वर्जन वैसे तो अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का हिंदी वर्जन अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है, पर आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, तो आप अमेज़न से इस मूवी को डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मूवी मिल जाएंगी, टेलीग्राम से आप इस मूवी को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मूवी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, हम कुछ टाइम में मूवी को हटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मूवी को डाउनलोड कर लीजिए या फिर शेयर कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब भी डिलीट हो जाए तो आपके पास वो पड़ी रहे। फिर आप इस मूवी को देखिए और हमें बताइए कि मूवी आपको कैसे लगी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जयेश प्रधान ने, जो कि वैसे तो काफ़ी एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी रही थी। अगर हम बात करते हैं मूवी की रेट अब बात करते हैं मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के जो मेन कास्ट है उसके अंदर राघव जुयाल, वरुण धवन, पुनीत पाठक, धर्मेश एलंडे, ईसा रिकी, श्रद्धा कपूर, ज्योति जोशी, शक्ति मोहन, बादशाह, विजय राज, इसके अलावा जाकिर हुसैन, दीपक खेरा, विनोद, निखिल पांडे, अथिया साठी, मुकेश तिवारी, सनी लियोन, राजेश खत्री और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। जो कि दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जो थे वो एक छोटे से रोल में थे, कह सकते हैं कि कैमियो के अंदर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ कैमियो के अंदर ही हैं। यहाँ पर जो लीड एक्टर है वो यहाँ पर राघव जुयाल और पुनीत पाठक वगैरह हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलती है। तो मूवी जो है कॉमेडी से भरपूर है, मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को मिलेंगी। अगर आप एक कॉमेडी लवर है तो मूवी को चेकआउट कीजिए, मूवी आपको अच्छी लगेगी। तो मूवी की जो कहानी है दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोगों ने जो है बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला है, जो पुरानी मूवीज़ बनी हुई थी उनके जैसी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो होता ये है कि इस मूवी के अंदर तीन अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक लड़के के प्यार के अंदर पड़ जाते हैं और उनकी दोस्ती को भी अब चुनौती मिल जाती है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके रूप के अलावा भी बहुत कुछ है और दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं। तो यहाँ पर तो एक लड़की थी जिनकी वजह से इन तीनों की दोस्ती टूटने वाली थी। फिर धीरे धीरे उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो हमारा काट रही है, इसका मकसद कुछ और ही होता है। फिर ये तीनों लोग मिलकर कैसे उसको मज़ा चखाते हैं वो सब कुछ आपको आगे इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी कमाल की है और इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं कराएंगी। तो कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ जाएगी और कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है। वैसे में आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों में जो नई नई मूवीज़ आती रहती है बॉलीवुड की और कुछ पुरानी मूवीज़ है उनके रिव्यूज़ करता रहता हूँ। साथ में वो मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी इनके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देते हैं। तो मूवी काफ़ी कमाल की है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मूवी हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों ये मूवी सिर्फ अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। और इसके अलावा भी दोस्तों जो है वो टी सीरीज बहुत ऐसी मूवीज़ है जिसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ कर चुका है, तो वैसे में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो पर इस मूवी को यूट्यूब पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मूवी यूट्यूब पर ज़रूर आ जाएंगी, ये पक्की बात है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती भी है तो भी आप सभी को मैं बता दूँगा
आप सभी लोग जो है हमें फॉलो कर लीजिए, आप सभी को यहाँ पर नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी।